I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shemaroo Me. Namami Mishanam Nirvana Rupam Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swarupam Nijam Nirgunam Nirvikalpam Niriham Chidakash Makash Vasam Bhajeham. विजय जी बाबूजी, अरे तू आजकल ऑफिस में क्या दिन भर पत्थर तोड़ने का काम करता है? नहीं बाबूजी, क्यों? अरे तेरे हाथ कितने खुरदुरे हैं। बाबूजी आपके पैर मुलायम हैं। जाहिर बात है, एक महान खानदानी इंसान होगा तो उसके पैर फूल की पंखड़ी की तरह मुलायम तो होंगे। मायने नहीं, बहुत मुलायम है, तू कंधे पे आ जा। जी पैर तोड़ दिया, जरा मलाई की तरह दबाना। जी बाबूजी। ठहर 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 ठहर, ये क्या लगा रहा है? मिट्टी का तेल है क्या? नहीं तो बाबूजी, खोपरे का तेल है। अच्छा जी, ये खोपरे में से अचानक घासलेट कब से निकलने लगा है? शुद्ध खोपरे का तेल है बाबूजी। तो चमेली का तेल क्यों नहीं लाया? वो है नहीं घर पे। बाजार में तो है ना, तू लेने गया था। जी लाया क्यों नहीं? जी बाबूजी, इतनी सी बोतल 100 रुपए की मिलती है। मतलब 100 रुपए की ज्यादा परवाह है? और ये 100 करोड़ का बाप, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। काम चोर बाप से ज्यादा पैसे की परवाह करने वाला। हट लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, मेरे नहाने का पानी गरम हुआ कि नहीं हुआ? जी हो गया। आ रहा हूँ। पानी गरम कर दिया है, नहा लीजिए। आप बाहर नहाएंगे या अंदर? तुम क्या कर रही थी? घर में काम करने के लिए नौकरानी रख लो, क्या फायदा होता? आधा काम गलत करती आधा सही करती, ऊपर से पगार लेके जाती। अब देखो तुम कर रही हो, काम भी सही हो रहा है, पैसे की बचत भी हो रही है, सेहत भी ऊपर खराब है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
मेरे कहने पे जो चलेगा वो जीते जी स्वर्ग में रहेगा। दरवाजा हटा, बने कर। सुनिए, बहू के पिताजी जा रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, जान छोटी उनसे। एक बार मिल तो लो। पहले कुछ खा तो लू, नाश्ता तो कर लू। मिल तो लो। बहू जी, ये आज अजय को नाश्ता नहीं दिए क्या? दे दिया बाबू जी। तू ऐसे मेरी तरफ घूर घूर के क्यों देख रहा है? ए, चल स्कूल जाएगा। जब नाना जी जाएंगे तब मैं स्कूल जाऊंगा। तो जब तक मुझे को देखते रहेगा, मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया तो नजर उतार लो अपनी भाई। बहू नाश्ते में मजा नहीं आया। कोई खराबी है बाबूजी? कोई खराबी है? सब खराबी है, खराबी है। ये लकड़े के बने हुए टोस्ट, ये बंदर के कान के समान पूरियां, ये बुदबुदार घास की भाजी, ये गिरी जैसा मस्का, ये तंबाकू की चाय, ये कोई नाश्ता बना है? सभी तो यही खाते हैं बाबूजी। तो कोई जरूरी है जो तुम खाओ मैं भी खाऊं? दुनिया तो मार भी खाती है तो क्या मैं मार खाऊंगा? अच्छा आत्माराम जी, इजाजत दीजिए। आप गए नहीं अब तक जी? नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं सुना था कि आप जाने वाले हैं तो। जी जी, हम तो जा ही रहा हूँ। बड़ी जल्दी जा रहे हैं, मैं समझा था कि शायद चार पांच दिन और रुक जाएंगे फिर तो। जी नहीं, मैं शहर में किसी काम से आया था, सोचा आपसे और बेटी से मिलता चलूं। वैसे ज्यादा दिन बेटी के ठहरना मैं ठीक नहीं समझता। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेटी के घर में पानी भी नहीं पीना चाहिए। नहीं नहीं, दुनिया आपके पीठ पीछे क्या क्या बोलती है, आप दुनिया का मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ। अजी बेटा, नाना जी के पांच हूँ। जुग जुग जियो बेटे, बहुत बड़े आदमी बनो और उसके लिए मन लगा के पढ़ो। जी नाना जी। अच्छा बेटे, अरे ना ना ना, बेटी हमारे यहाँ पाँव नहीं छूती। आत्माराम जी नमस्कार। जा जा। भाव जी, हम इनको छोड़ के आ रहे हैं। सर दर्द की गोलियां लो, असली असरदार सस्ती सर दर्द की गोलियां लो, सर दर्द की गोलियां लो। इसके सर का दर्द मैं ठीक करता हूँ अभी। असली ए गोली वाले, इधर इधर। बापूजी क्या रे, ये तो हमारे दरवाजे पर खड़ा होकर सर दर्द की गोलियां क्यों बेच रहे? हम लोग क्या सर में दर्द पैदा करने वाले लोग हैं? बाबूजी, आप जैसे महान आदमी जिस घर में रहते हैं वहाँ तो सर दर्द अवश्य ही होता होगा। बाबूजी, एक आधा दर्जन गोली लेकर रख लीजिए, वक्त पर जरूर काम आएगी साहब। पहले मैं तेरा सर दर्द तो गायब कर दूं तो सुन बेवकूफ इंसान, इस घर का मैं सर हूँ और जिस घर का मैं सर होता हूँ उस घर के सर में कभी सर दर्द पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम दर्द की वो गोलियां हैं जो गोली के सर से दर्द भगा देती है, मगर हमारे सर में कभी दर्द पैदा हो ही नहीं सकता। एक म्यान में दो तलवारें रह सकती है, दो टांगे एक शलवार में रह सकती है, कश्ती बिना पतवार के चल सकती है, मगर जहाँ हम रहते हैं वहाँ दर्द सर कभी नहीं रह सकता। हमें देखकर दर्द सर ऐसे भाग जाता है जैसे सिंह को देख के गधा भाग जाता है। तू हमारे दरवाजे पर दर्द सर की गोलियां बेचते हैं? साहब, एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा। क्यों, उसमें डूब के खुदकुशी करनी है? नहीं बाबूजी, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो गया है, दो गोली खा लूंगा। गोली से कुछ नहीं होगा, तू एक काम कर, 10 मिनट मेरे सामने बैठ, मेरी बातों को मन लगा के सुन, दर्द रह जाएगा, सर गायब हो जाएगा। अरे अरे, तेरी तबीयत हल्की हो जाएगी। बाबूजी, मेरी बीवी उधर भी दबाव हो जाएगी। अरे वैसे भी तुझे से मुर्दे की बीवी कौन सी सुहागन होती है, पैदाइशी मुर्दा होती है। बाबूजी, अरे अरे सुन तो, मुझे सर दर्द की गोलियां बेचने आया था, मुझे हिमालय पहाड़ पे खड़ा कर दो, मैं उसके सर में दर्द पैदा कर दूं। मुझे गोली बेचेगा, पते हो गई। वेल डन माय बॉय, वेल डन, तुम पर जितना भी गर्व किया जाए कम है। थैंक यू सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, सच तो यह है कि रवि इस कॉलेज की शान है, वो आजकल के नौजवानों के लिए एक जिंदा मिसाल है, जो अपनी पढ़ाई और गुजारे का खर्च बर्दाश्त करने के लिए पार्ट टाइम नौकरी करता है। रवि कोई अनाथ नहीं है, उसके माँ बाप भाई सब हैं, लेकिन उसने कभी किसी से कोई मदद नहीं दी, क्योंकि उसका मानना है कि इंसान को अपनी जिंदगी का बोझ खुद अपने कांधों पर रखकर आगे बढ़ना चाहिए। उसके इस आत्मविश्वास और बेमिसाल कारनामों के लिए मैं कॉलेज की तरफ से। एक मिनट, मैं आता हूँ। ठहरिए ठहरिए प्रिंसिपल साहब, ठहरिए ठहरिए। अरे बाप रे, आप इस लड़के की तारीफ में जमीन आसमान के गुलाबे मिला रहे हैं, तो मैं इसकी तारीफ में दो शब्द कहना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो। प्लीज सर, बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया, वहां खड़े रहो।
दोस्तों, ये लड़का अगर अपनी कमाई पे खुद जीता है तो क्या कमाल करता है, अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है। जय हो। ये महान नहीं है, महान ये उस वक्त होता जब मेहनत ये करता और पेट किसी और का भर जाता, रास्ते पे कदम इसके चलते और मंजिल पे कोई और पहुंच जाता। इस संसार के बाजार में महान वो कहलाता है जो औरों के लिए जीता है, अपने लिए नहीं जीता है। नमस्ते। ये बिन बुलाया मेहमान इतना लंबा भाषण झाड़कर चला गया, कौन था ये? सर, ये महाशय मेरे पिताजी हैं। तुम्हारे पिताजी? हाँ, पिताजी श्री आत्माराम जी। ये कर्मवीर नहीं है, शब्दवीर है। सारी जिंदगी शब्दों के तीर बहुत अच्छे चलाए इन्होंने, मगर मेहनत के लिए हाथ पैर कभी नहीं चलाए। अजय बेटा, हम आपसे नाराज हैं, हम आपसे बात नहीं करते। अरे क्यों क्यों क्यों? आप संडे को आने का कह गए थे मगर आए नहीं। अरे बेटा, तुम्हारे चाचा पढ़ते हैं ना, उनका इम्तिहान चल रहा था इसलिए नहीं आ सके। अरे इम्तिहान तो मेरे भी थे, मगर पढ़ाई के साथ साथ आपका इंतजार भी किया। अच्छा बाबा, माफ कर दो, गलती हो गई, आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। अब ये चॉकलेट कौन खाएगा? थैंक यू। चल भाभी दे। रवि भाभी चल बैठ जा। प्रणाम प्रणाम। भाभी ये देखो, मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेके आऊँ, पहन के देखना, एकदम मिस इंडिया लगोगी, भैया फ्लैट हो जाएंगे। फिर तो मैं तुम्हारी शादी पर पहनूंगी। आओ, तब तक तो बुढ़ी हो जाओगी। चलेगा। भैया तुम्हारे लिए शर्ट लाया। रवि मेरे पास बहुत है, ये तुम अपने पास रखो। अरे भैया, मैं तुम्हारे नाप की लेके आया हूँ, दुकानदार वापस लेगा नहीं और मैं इसे पहन पाऊंगा नहीं। प्लीज माँ का है? अंदर आओ। माँ प्रणाम। माँ। रवि बेटे कैसा है तू? बिल्कुल फसला, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। माँ मैं तुम्हारे लिए ये साड़ी लाया हूँ और बाबूजी के लिए भगवत गीता। ये सब इतना खर्च करने की तुझे क्या जरूरत थी बेटे? माँ मेरे ख्याल से तो मैं घर के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं भैया की तरह घर की हर जिम्मेदारी में हिस्सा लूँ, घर के हर काम में मदद करूँ। बेटे जिस तंगी के दौर से ये घर गुजर रहा है, उस दौर में हमसे कुछ न लेना भी अपने आप में एक मदद है तेरी इस परिवार के लिए। कितने लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी जिम्मेदारी खुद समझते हैं और अपना फर्ज पहचानते हैं। काश औरों की तरह बाबूजी भी ये जानते कि फर्ज जताना कितना आसान है और निभाना कितना मुश्किल। अरे क्या है, मार मैंने इसी तरह पगार लेता हूँ ना, चुपचाप खड़े रहो। ला भाई पगार निकाल। इस बात की तनख्वाह, पूरे महीने की तनख्वाह तो तुम एडवांस में ले चुके हो। तू क्या हुआ, अगले महीने के एडवांस दे दो। वाह 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 वाह, क्या ढंग है काम करने का। दूसरी कंपनी में महीना भर काम करने के बाद तनख्वाह मिलती है और तुम एडवांस में पूरी तनख्वाह मांगते हो। सॉरी नहीं मिलेगी। कैसे नहीं मिलेगी, जब तक तुम पगार नहीं दोगे तब तक कुतुब की लाड़ की तरह मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, ना खुद लूंगा ना किसी को पगार लेने दूंगा। माई बाप मेरे साथ क्यों हुज्जत करते हो, एडवांस चाहिए तो सेठ उस्मान के पास जाके मांगो, मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। कैसे नहीं दोगे, और अगर मैं तुमको सेठ से पगार लेकर दिखा दूं तो? अगर तुम सेठ साहब से ले आए तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। तुमको कौन गुलाम रखेगा, अरे गुलामों का भी कोई स्टैंडर्ड होता है, कोई नकद में शर्त लगा तो अभी पगार लेके दिखाता हूँ। अरे भैया आत्माराम अब चलो भी, देर हो रही है, पगार लेने दो। तमाश, जब कोई बड़ा आदमी किसी छोटे से आदमी से बात कर रहा हो तो मामूली आदमी को बीच में दुम नहीं हिलाना चाहिए। पगार लेके दिखाऊं? लेके दिखाओ। अभी देखो कैसे लेके दिखाता हूँ, पीछे हटो हम जा रहे हैं। फॉर एक्सक्लूसिव क्लासिक मूवीज डाउनलोड शिमारू मी ऐप नाउ।